एवरीवन गुड मॉर्निंग सभी को संडे की बहुत सारी शुभकामनाएं और संडे आप लोग यहां पर सुबह साढ़े छह बजे प्रेजेंट हो गए हो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ये बहुत बड़ा सबूत है कि आप कितने डिटरमिंड हो सिलेक्शन को लेकर ओके सो जो भी लोग प्रेजेंट सेशन में एक बारी हाय हेलो कर दो फिर क्लास की शुरुआत करते हैं हेलो एवरीवन खुश रहो खुश रहो। गुड मॉर्निंग थोड़ी सी तेजी दिखाओ कमेंट करने में थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट करो जिससे मुझे समझ आए कि तुम लोग हो सेशन में और कमेंट कर रहे हो ठीक है फिर सेशन की शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो जैसा आप लोग देख सकते हो आज की पूरी क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं हैं एमसीक्यूज करने वाले ओके okay, दोस्तों आज हम लोग कंप्लीटली एमसीक्यूज करेंगे और एक चीज को और आपको मैं बता दूं जितने हो जाएंगे उतने ठीक है फाइव हंड्रेड एमसी क्यूज इसमें प्रिपेयर कराए हैं तो जितने हो गए वो तो ठीक है जो नहीं होते हैं वो आप लोग पी में बाद में देख सकते हो ठीक है तो इस तरीके से हम लोग अपनी आज की क्लास को करने वाले हैं कल तो आपने सेशन में शॉक कर दिया था क्या कर दिया मैंने कल के सेशन में जाओगे गुड मॉर्निंग तो क्या हम लोग सेशन के लिए तैयार हैं? क्या हम लोग सेशन के लिए तैयार हैं? क्या हम सेशन की तरफ बढ़ सकते हैं हाँ डेज और इम्पोर्टेंट डेट्स एक्चुअली थोड़ा शॉकिंग था वो खतरनाक टाइप के क्वेश्चन भी थे एंड चलो ठीक है देखो मैं हमेशा खतरनाक टाइप के वही देती हूँ आप लोगों को हमेशा मेरा कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक लगेगा तो वही बच्चे मेरे साथ सर्वाइव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में जो उस खतरनाक टाइप के कंटेंट को डाइजेस्ट कर पाते हैं ठीक है तो मेरा जो कंटेंट होता है वो हमेशा है थोड़ा एक्स्ट्रा आपको खतरनाक लगेगा आई एम वेरी सॉरी बट वो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ओके okay? चलो दोस्तों ठीक है तो अब हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने सेशन की तरफ बढ़ते भी हैं ओके okay? ओके okay? आप सभी को पता है क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे क्या चाहती हूँ क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से चाहती हूँ या तो एक कप चाय दे दो या तो अपना दिल दे दो और या फिर क्या दे दो याद है अंगूठा या तो अपना अंगूठा दे दो तो इन तीन चीजों में से एक चीज फटाफट दे दो फिर हम क्लास की शुरुआत करेंगे और थोड़ी जल्दी दिखाओ फिर शुरू करेंगे क्लास को मैंने क्या कहा था कि कमेंट बॉक्स भागते रहना चाहिए भले आप ही अपना कमेंट तीन बार दोहरा रहो लेकिन दोहराते रहो कमेंट बॉक्स को भगाते रहो तभी मजा आती है तभी एंथुजिया होता है सब कुछ चलो ओके okay. तो शुरू करते हैं दोस्तों सेशन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को फटाफट कर लेते हैं ओके okay. शुक्रिया शुक्रिया काफी सारी चाय पी ली काफी सारी दिल हो गए काफी सारे अंगूठे हो गए नाउ स्टार्टिंग द सेशन सबसे पहले सवाल को देखिएगा अगस्त 2023 में कौन से बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था अपना स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल बैंकिंग एप आयरिस

ओके okay, चलो नेक्स्ट देखो कौन सी इंडियन नेवल शिप ने एंटर किया है पोर्ट ऑफ डर्बन साउथ अफ्रीका ताकि वो पैसेज एक्सरसाइज साउथ अफ्रीका नेवी शिप एसएस किंग शेकुहून ऑफ ऑफ डर्बन में कर सके ऑप्शंस हैं आईएनएस हंससा आईएनएस वर्षा आईएनएस कोहासा आईएनएस विरबुआ या आईएनएस सुनाना क्या आंसर है बताइएगा प्रशांत कुमार करेक्ट यस बैंक के एमडीसी यूएस प्रशांत कुमार चलो इसका आंसर जल्दी-जल्दी करते चलो दोस्तों हाँ भाई इसका आंसर क्या है इसका आंसर है आई सुनैना ठीक है तो जो आई सुनैना है ये अभी पोर्ट ऑफ डर्बन साउथ अफ्रीका में गई थी कब 21 अगस्त 2023 को ये जो शिप है इन्होंने पैसेज एक्सरसाइज भी किया था साउथ अफ्रीका नेवीशिप किंग किंगन ऑफ डर्बन ठीक है और पोस्ट एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज एट सी द शिप एंटर डर्बन हार्बर इसके अलावा याद रखिएगा आई एन एस वगीर आई एन एस ये ऑस्ट्रेलिया गया था तो अगर आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कौन सा शिप कहाँ गया था इस कंफ्यूजन को दूर लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन पंचायत इज बीइंग ऑर्गेनाइज ठीक है तो ये किस शहर में आयोजित किया गया है ऑप्शंस हैं गुरुग्राम श्रीनगर नोएडा गुंतूर या त्रिवेंद्रम कहां पर किया गया आंसर करो प्रांजल बेटा आज मैंने करंट अफेयर्स की क्लास को अभी आज रोका है कल हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे डू नॉट वरी क्यों नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी जो है ना इंपॉर्टेंट आज कर लेते हैं पिछले वाले जिससे सारी रिवीजन अच्छी हो जाए ओके okay? हाँ भाई तो ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था क्या वर्कशॉप ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसको कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था ये किया गया था श्रीनगर जम्मू कश्मीर ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट किया था पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था नेशनल वर्कशॉप ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन ग्राम पंचायत अब आप लोग मुझे एक बात बताइएगा जो भी लोग सेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर टोटल कितने गोल्स होते हैं मैंने आपको बताई थी ये बात सेवेंटीन गोल्स होते हैं इसको किसने बनाया था इसको यूनाइटेड नेशन ने बनाया था कब तक इसको अचीव करना है 2030 तक इसको अचीव करना है याद आ रहा है मैंने आपको दो दिन पहले ही करंट अफेयर्स की क्लास में गोल्स कितने हैं क्या है सारी चीजें बताई थी ठीक है तो वही गोल्स हैं किसने बनाया था यूनाइटेड नेशन ने बनाया था ठीक है याद रखे रहेगा इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा ओके नेक्स्ट अगस्त 2023 में चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने इनग्रेट किया था तमाम खादी विलेज इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज को तमिलनाडु विजिट में आपसे पूछा जा रहा है कि केवीआईसी के, के करंट चेयरपर्सन कौन है मनोज कुमार एस सोमनाथ समीर कामत माधवीपुरी चलो बताइएगा यस अगर आप लोग ऑप्शंस को देखो तो आप ऑप्शन से इलेमिनेट कर सकते हो ठीक है एस सोमनाथ को इसरो भेज दिया जाए इनको ठीक है समीर का मत को कहा जाए डी आर बच को माधवीपुरी भेज सकते हैं सेबी नीलकंठ मिश्रा को कहा भेजा जाएगा बताओ नीलकंठ मिश्रा को हम कहा भेज सकते हैं इसका आंसर है मनोज कुमार KVIC के वी आई सी के कारंट चेयरपर्सन मनोज कुमार है इन्होंने ये पोजीशन वीके सक्सेना से ली थी याद रखिएगा अभी अभी इन्होंने काफी सारी एक्टिविटीज जो है कराई थी तमिलनाडु के अपने विजिट पर ठीक है और इंटरैक्ट किया था तमाम खादी वर्कर्स से अपने विजिट के दौरान प्रिइडिंग ओवर खादी कारीगर सम्मेलन ठीक है तो ये खादी कारीगर सम्मेलन हुआ था ओके लास्ट टू डेज ठीक है तो मेरा आप सभी से ये क्वेश्चन था कि नीलकंठ मिश्रा कौन है Who is, uh, इनके पास में अभी करंट क्या चार्ज है बताइएगा जरा हु करंट चीफ ऑफ नीलकंठ मिश्रा सॉरी वेयर इज ही प्रिडिंग इनके कारण चीफ कौन होंगे अगला <laughs> सवाल देखो अकॉर्डिंग टू डेटा इन हाउ मच इंडियन कैपिटल मार्केट सोफार ठीक है तो इंडियन कैपिटल मार्केट में अभी तक जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कितने रुपए हमारे वहां पर अभी तक लगाए हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स उनकी बात की जा रही है ग्यारह हजार करोड़ बारह हजार करोड़ तेरह हजार करोड़ चौदह हजार करोड़ या पंद्रह हजार करोड़ एक चीज को आपको यहां पे ध्यान देना ये रुपीज में पूछा जा रहा है डॉलर में बात नहीं की जा रही है ठीक है ओके तो जैसा कि डिपॉजिट्रीज के डेटा आई थी जो फॉरेन विदेशी निवेशक है हमारे वहां पे तेरह हजार करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट में अभी तक लगाए हैं अगस्त भर में डिपोजिटरी के के मुताबिक जो फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स है इंडियन इक्विटीज uh, और 4646 करोड़ लगाया हुआ है डेट मार्केट के अंदर जो टोटल नेट इन्वेस्टमेंट है इंडियन कैपिटल मार्केट की वो कितनी हो चुकी है तेरह हजार चालीस करोड़ रुपए की हो चुकी है एक से अठारह अगस्त के पीरियड के बीच में ठीक है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा नीलकंठ मिश्रा इज यूआईडीआई चेयरपर्सन वेरी गुड अर्चना ठीक है हाँ State, Singh, भाई अगला देखो अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इंडिया इज सेट टू अचीव 150 बिलियन डॉलर बायो इकोनॉमी बाय तो जितेंद्र सिंह जी के मुताबिक भारत 150 बिलियन डॉलर बायो इकोनॉमिक किस साल तक बन जाएगी 2030 2027 2024 2025 या 2035 बताइएगा ओके okay. इसका आंसर क्या है जल्दी जल्दी बताओ हाँ भाई बायो इकोनॉमी दो हजार पच्चीस तक बन जाएगी हमारी भारत ठीक है तो जितेंद्र सिंह जी को अभी अभी क्या दिया आ, इन्होंने बताया था कि भारत बिलियन डॉलर का बायो इकोनॉमी बन जाएगा बाय द ईयर 2025 जो कि 2022 में कितना था 100 बिलियन डॉलर का था ठीक है और इन्होंने जो है अभी ओवरसीइंग साइनिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन अरेंजमेंट ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और यूनाइटेड नेशंस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच में हुआ है तो उसके बारे में बात की जा रही है ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स के अभी अभी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है एक इमेज ऑफ विच इेगुलर गैलेक्सी लोकेटेड एटेंस ऑफ ट्वेंटी एट पॉइंट मिलियन लाइट ईयर इन द सदर्न कॉन्स्टिलेशन ऑफ एरिडेनस ठीक है तो इन्होंने किसकी पिक्चर ली है अब ये नाम देखो और आंसर करो खतरनाक है बिल्कुल एनजीसी थ्री नाइन एट वन ई एसओ वन थ्री सेवन जीरो जीरो वन ईएसओ टू फोर थ्री फोर नाइन ई एसओ थ्री जीरो जीरो वन सिक्स ई एस ओ थ्री एट थ्री सेवन सिक्स जल्दी आंसर करो भाई अरे सुनो पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे नीलकंठ मिश्रा UIDAIK. तो इसलिए मैं उनका नाम आपसे पूछ रही थी ठीक है चलो अब इसका करो, इसका आंसर आंसर करो क्या था मुझे मिल रहे हैं बी और डी एक इमेज इेगुलर गैलेक्सीएसओ थ्री जीरो जीरो जो की ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन मिलियन लाइटर्स दूर है सदर्न कॉन्स्टलेशन ऑफ एरिडानस से रिसेंटली इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने साइन किया है एमओयू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इस एमओयू के तहत जो सेंटर है इन्होंने टारगेट बनाया है कि ये कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे ऑपरेशन से इन द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ऑप्शन हैं थ्री फोर टू जीरो करोड़ फोर थ्री फाइव जीरो करोड़ फाइव टू जीरो जीरो करोड़ टू टू थ्री जीरो करोड़ फाइव थ्री फोर फाइव करोड़ आंसर करिएगा ये तुम लोगों को पढ़ाया गया था और तब भी तुम लोग गलत नहीं बता रहे हो हाँ गलत दो तीन लोग बता ही रहे हो देखो ये मैंने कई बार बताया था इसका आंसर क्या है फोर थ्री फाइव जीरो करो और मैंने ये भी कहा था कि इसको रट लो ये इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आई ने क्या किया ये गवर्नमेंट संस्था होती है रिस्पॉन्सिबल होती है कि रिन्यूएबल एनर्जी को एडवांस करे पैसे दे इन्होंने इन्होंने अभी एमओयू की साइनिंग करी थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के तहत और कहा था कि जो इनका रेवेन्यू जनरेशन है इनके ऑपरेशन से वो बढ़ाकर ये कितनी कर देंगे फोर थ्री फाइव जीरो करोड़ कर देंगे ठीक है तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा अपार्ट फ्रॉम दिस एक और भी चीज जरा आप लोग ध्यान रखे रहिएगा सभी लोग आई पहले जो था ये एक इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी था अभी एक कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह से काम करेगा ठीक है तो इसकी स्टेटस के बारे में मैं सेशन के लास्ट में बता दूंगी अभी फिलहाल मैं आप लोग इतने पॉइंट्स को याद इन दमेजॉन रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील लास्ट सर्वाइवर ऑफ विच ट्राइब ऑफ फाउंड ठीक है तो जो ब्राजील का है कौन से ट्राइब के लास्ट सर्वाइवल मिले हैं ऑप्शन में है कयापू योनोमामो करूबू कावाहीवा या पिर सॉरी चलो करो दोस्तों गुड मॉर्निंग इसका आंसर क्या है गुड मॉर्निंग हाँ भी इसका आंसर है पिरीप कुरा ठीक है तो ब्राजील ने कुछ लास्ट सर्वाइवर्स ब्राजील कहां के अमेजॉन ट्राइब जो है यहां पर अमेजोन रेन फॉरेस्ट में ब्राजील में इसके कुछ लास्ट सर्वाइवर्स मिले हैं जिस ट्राइब का नाम है, है थोड़ा सा नाम है। एक ट्राइब है जो करती है और बहुत ही खतरनाक टाइप की आग लगी थी तो वो बहुत ज्यादा न्यूज में था शायद आप लोगों को याद हो जैर बोल से नारो तब वहां के वो थे प्रेसिडेंट थे बहुत नाटक हुआ था खैर रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रिवांस ने पब्लिश किया है कौन सा एडिशन Secretariat reforms रिपोर्ट फॉर जून जुलाई ट्वेंटी थ्री फाइव एट नाइन सेवन टेन थोड़ी सी जल्दी करो ओके okay. तो ये कौन सा एडिशन था ये सेवेंथ एडिशन था ठीक है इन पर्सवेंस ऑफ डिसीजन टेकन इन नेशनल वर्कशॉप ऑन ट्वेंटी थ्री ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी टू डीएरपी ने पब्लिश किया था मंथली सेवेंथ एडिशन सेक्रेट्रिय रिफॉर्म्स का इसमें बताया गया कि जो टोटल ग्रीवांज दिए गए हैं इसमें से 3.22 लाख जो है ये फाइल्स अंडरवेंट रिगोरस रिव्यू इसकी रिव्यूइंग की, की गई थी जो डिस्पोजल किया गया था ग्रीवांज का ये वन लाख फाइल्स के किए गए थे टोटल उसके कितने फाइल्स है वन फाइल वाले जिसमें से 1.49 को क्या किया गया था डिस्पोज किया गया था इसके अलावा एक 8.63 लाख पब्लिक पॉइंट को और एड्रेस किया गया, था, रिसीव गया थे, तो ये जो डेटाज है आपसे जा सकते हैं जी ट्वेंटी पैंडेमिक फंड ने अप्रूव किया इंडिया का यूएसडी 25 मिलियन यूएस डॉलर प्रपोजल ताकि किया जा सके किसकी हेल्थ सिक्योरिटी अपने देश में पैंडेमिक प्रिपेयरनेस की एनिमल की हेल्थ सिक्योरिटी ह्यूमन बर्ड्स ए एंड बी या ए एंड सी बताइएगा सो वी दोस्तों। मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं ए डी ओके ग्रेट देखो इसका आंसर क्या है दोस्तों एनिमल ठीक है बेसिकली ये देखा गया था कि जो एनिमल्स हैं उनमें अगर कोई बीमारियां होती है तो वो ह्यूमन तक भी बहुत तेजी से फैलती है ना तो कहा गया था कि आप यहां से इनको सेफ रखो और बाकी लोगों को भी सेफ रखा जा सकता है इसलिए अभी अभी जो पैंडेमिक फंडेमिक के दौरान इससे 25 मिलियन डॉलर दिया गया है हमारे वहां पे एनिमल हेल्थ को स्ट्रेदन करने के लिए कब जब G20, जब अभी इनकी बैठक हुई थी जी की उस दौरान किया गया है तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने इस बात का खुलासा किया गया था कि इतने 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 पैसे मिले हैं ओके अगला वॉट इज इंडिया पोजिशन शनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्सो तो ये क्वेश्चन हम लोग दस हजार बार कर चुके हैं कि भारत की क्या पोजीशन थी इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में ट्वेंटी 21st थोड़ा सा जल्दी बताओ मुझे क्या आंसर मिल रहे सेकंड अच्छा फर्स्ट पे कौन था दोस्तों फर्स्ट पोजीशन पर कौन था याद है तो बताओ इसका आंसर है सेकेंड ओके इंडिया से क्योर किया था सिक्सटीन इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में सेकेंड पोजिशन और ये जो अचीवमेंट है हमारे एक्सेप्शनल टैलेंट को दिखाता है ओके okay. फर्स्ट पे कौन था फर्स्ट पे आने वाली टीम यूके थी ये चैंपियनशिप कहां पर हुई थी पोलैंड ओके नेक्स्ट रिसेंटली एनएचपीसी ने एक इनिशियल पैक्ट साइन किया है राइट्स के साथ ताकि कंस्ट्रक्ट कर सके रेलवे साइडिंग 2880 मेगावाट जीरो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में किस राज्य में असम अरुणाचल प्रदेश कर्नाटका केरला या तमिलनाडु बताइएगा ओके <coughs> okay. अरुणाचल प्रदेश ठीक है हाइड्रो पॉवर जॉइंट एनएचपीसी ठीक है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ठीक है इन्होंने अभी अभी एक इनिशियल पैक्ट साइन किया है राइट के साथ में ताकि कंस्ट्रक्ट कर सके रेलवे साइडिंग दो हजार ऑन सौ डे एवरी ईयर 22 अगस्त 23 अगस्त 25 अगस्त इक्कीस अगस्त या 20 अगस्त क्या आपसे पूछा है मद्रास डे हर साल मद्रास डे कब मनता है गुड मॉर्निंग ट्वेंटी थ्री में भी ट्वेंटी थ्री होगा योगा से होगा चलो इसका क्या है 22nd of August. This close, this close. लेकिन मार्क्स तब भी कटेंगे ठीक है? सुनो <laughs> मद्रास डे जो कि फाउंडिंग डे ऑफ सिटी ऑफ मद्रास माना जाता है अब इसे फिलहाल भी हम चेन्नई कहते हैं ठीक है इसको ऑब्जर्व करते हैं हर साल बाईस अगस्त को क्योंकि यही इसका फाउंडेशन डे है ठीक है टू सेलिब्रेट द सिटी द मद्रास बाई स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है तो बहुत पहले की बात है जब इसको इस तरीके से क्लासीफाई किया गया था ओके चलो अगस्त 2023 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने नेक्वायर किया था 6.60 परसेंट शेयर होल्डिंग किस फाइनेंस कंपनी में टाटा कैपिटल मुथूट फाइनेंस जियो फाइनेंशियल टाटा कैपिटल फिनेंस या महिंद्रा एंड महिंद्रा अब ये कहानी भी हमने बहुत समझ रखी है बहुत कायदे से शायद आप लोगों को याद हो जल्दी जल्दी जल्द आंसर्स करो लोकेन्द्र तुम्हारी बोट इतनी पानी में जाती है तुम्हें कुछ स्ट्रॉन्ग चीज की जरूरत है अब तुम शिप खरीदो ठीक है शिप को ले आओ बोट <laughs> वोट से काम नहीं चल रहा है वो डूबी रहती है हमेशा ओके okay, मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं e देखो इसका आंसर क्या है जियो फाइनेंस सर्विसेस ठीक है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है कि एक्वायर करेंगे 6.6 परसेंटेज शेयर होल्डिंग जियो फाइनेंस के अंदर बेसिकली जियो फाइनेंस पहले जियो में था तो जियो से ये अलग किया गया है फिर आ, इनके सरकार सॉरी इनकी सरकार जियो की सरकार या रिलायंस की सरकार इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि जियो फाइनेंस को हम अपने सब्सिडियरी के तहत से अलग, मतलब जियो फाइनेंस को हम लोग अब रिलायंस से अलग कर रहे हैं यह हमारे अंडर हम इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि हमारी तरह से काम करेगा और जितने शेयर हमारे पास में किसी भी कंपनी के थे उतने शेयर उसको जियो फाइनेंस में मिलेंगे तो एल के ऑलरेडी वहां पर थे इसलिए जियो फाइनेंस में इनको सिक्स और मिल गया है शेयर ठीक है गुड मॉर्निंग अगला According to a recent, recently launched report named Nationally Governance Service Delivery Assessment Way Forward Monthly Report for State Duty, which is the first state in the country to have used online and centralized system for allotment of 100% seats through their Right to Education portal. Options? Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka or Himachal Pradesh. हेलीकॉप्टर डूबेगा नहीं लेकिन वो ब्लास्ट तो हो सकता है ना गिर सकता है नीचे है कि नहीं बताओ यस yes. तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो कि रिसेंट अभी डेटा लाई गई थी इसके तहत बताया गया है कि कौन सा पहला स्टेट है जिन्होंने ऑनलाइन और सेंट्रलाइज सिस्टम अलॉटमेंट के लिए यूज किया है हंड्रेड परसेंट सीट थ्रू देयर राइट टू एजुकेशन पोर्टल ये करने वाला मध्य प्रदेश राज्य था यह सब पहला राज्य बन गया जिसने टोटल अलॉटमेंट कैसे किया है टोटल अलॉटमेंट किया है ऑनलाइन ठीक है हंड्रेड परसेंट नेट ओके चलो अगला एज पर द ट्राई लाइसेंस फी एंड पॉलिसी मैटर्स ऑफ डीटीएच सर्विस डी टी एच लाइसेंस शुड पे एन एनुअल लाइसेंस फी वैलन टू हाउ मच ऑफ एजीआर 5%, 3%, 6%, 7 या फिर 4 देखो भाई इसका आंसर क्या था थ्री परसेंट ठीक है तो जैसे की खबर आई उसके हिसाब से बताया ट्राई ने कहा है कि

जल्दी बताओ हाँ। मुझे क्या मिल रहे, है? सु, रहे हैं सुमित पढ़ाकू बच्चा सुमित अश्विनी आर्य निकांश संगीता सुरभि सभी लोग एक आंसर्स करते जा रहे हैं ठीक है मलेशिया में कहा हो जाएगा यार जब आशियान की मीटिंग इंडोनेशिया में तुम लोग कहीं किसी को बैठा देते हो मलेशिया सब बता रहे देखो भाई ये इंडोनेशिया में हुआ था इस बार आसियान की मीटिंग इंडोनेशिया में हो रही है मलेशिया में नहीं हो रही याद रखिएगा तो ये जो मीटिंग मीटिंग हुई है इंडिया आशियान की मिनिस्टर्स मीटिंग, ये भी कहां पर हुई है ये समारांग इंडोनेशिया के अंदर हुई है ठीक है इसकी अध्यक्षता कौन कौन कर रहा था वो आपके सामने में यहाँ लिखा हुआ है आसियान का क्या भारत एक सदस्य है ये सो और नो आंसर करो क्या भारत आसियान का सदस्य है ये सो और नो सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करो नहीं है ठीक है आसियान का सदस्य भारत नहीं है आसियान को याद करने की एक ट्रिक मैंने आपको बताई है वो ट्रिक भी जरा लिखो कमेंट बॉक्स में सभी लोग ठीक है क्योंकि ये ऐसी चीज है जो मैंने आपके साथ में दस बार डिस्कस कर रखी है पिछले तीन चार दिनों नहीं पिछले दो तीन हफ्तों में अगला देखो यूनाइटेड स्टेट ऑन अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज अप्रूव फर्स्ट रेस्पिरेटरी वायरस वैक्सीन फॉर यूज इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रोटेक्ट द बेबी डेवलप बाई विच फार्मास्यूटिकल कंपनी तो आर एसवी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी कंपनी ने सुई बनाई है जॉनसन जॉनसन एस्ट्रोजेने अमेरिकन कंपनी फाइजर या सनोफी हा इसका आंसर क्या होगा फाइजर ओके okay, ध्यान दीजिएगा तो फाइजर ने अभी अभी यूएस की जो एफडीए है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने अप्रूव कर दिया जो फाइजर ने आरएसवी की वैक्सीन बनाई आर एस का फुल फॉर्म रेस्पिरेटरी आ, सिंशियल वायरस वैक्सीन इसको यूज किया जाता है वुमेन्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रोटेक्ट द बेबी ठीक है हाँ भाई पीडीएफ भी मिल जाएगी लेकिन जो सेशन पूरा करेगा उसी को पीडीएफ मिलेगी ऐसे मुफ्त की पीडीएफ नहीं है कौन से नेशन ने लॉन्च किया एक प्रोग्राम ताकि वो कॉम्बैट कर सके डिजर्टिफिकेशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑगस्ट 2023 यूएई ओमान कतर सऊदी या पोल भी डाल दें चलो ठीक है आप पोल भी डाल देते हैं पोल लेकिन लगा ही नहीं है कहां से डाल दें देखो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया ओके तो सऊदी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया एक प्रोग्राम ताकि वो कॉम्बैट कर सके डिजर्टिफिकेशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है डिजर्टिफिकेशन समझते हो अब यहाँ जरा देखिएगा जो प्रोग्राम है ये कोलैबोरेशन है मिनिस्ट्री नेशनल सेंटर ऑफ वेजिटेशन डेवलपमेंट एंड कॉम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन ओके आधार यही मैं आपसे पूछ रही थी ठीक है तो पार्ट टाइम चेयरपर्सन यू आई का किसको बनाया गया है ऑप्शन है शिवेंद्र नीलकंठ मिश्रा मनोज कुमार नामबियार सुरजीत भूजावल या संजय कुमार अग्रवाल बताइएगा yes. यस बनाया गया था नीलकंठ मिश्रा जी को पार्ट टाइम चेयरपर्सन किसका बनाया गया था यूआईडीआई का इनको पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनाया गया था ओके okay. यूआईडीआई किसको देखता है यूआईडीआई का, का काम होता है पूरी आधार बॉडी यही होती है और आधार में कितने डिजिट्स होते हैं ट्वेल्व बाल आधार कितने बड़े बच्चों का बनता है जीरो से फाइव इयर्स के बच्चों का बाल आधार बनता है ठीक है विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च अ जॉइंट लूनर मिशन नोन एज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन और चंद्रयान 4 किस देश के साथ में मिलकर के चंद्रयान 4 की प्लानिंग हो रही है जापान रशिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया जर्मनी हाँ भाई ये हो रही है जापान ठीक है जापान की एक प्राइवेट कंपनी आई स्पेस उन्होंने कुछ दिन पहले हकुतो आर मिशन लॉन्च किया था लेकिन वो मिशन अप्रैल में फेल हो गया था क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाकुतो आर मिशन किसका था जापान का था ओके okay? किसने लॉन्च किया था जापान की प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम होता है आई स्पेस इन्होंने लॉन्च किया था बट इट फेल्ड

इसका नाम क्या है Otter.ai Synthesia Jasper Threads या Seamless M40 इसका आंसर क्या है दोस्तों Seamless M40 ठीक है तो मेटा जो कि पहले आ, Facebook हुआ करती थी इस नाम से अभी इन्होंने अनवील किया था एक मल्टीलिंगुअल मल्टीमॉडल एआई ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन मॉडल जिसका नाम है Seamless M40 ये कैपेबल होगा कि परफॉर्म कर सके तमाम टास्क इंक्लूडिंग स्पीच टू टेक्स्ट स्पीच टू स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच एंड टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेन मैत्री सेतु और फ्रेंडशिप ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन इज गोइंग टू बी ऑपरेशनल फ्रॉम सेप्टेम्बर फॉस्टरिंग ट्रेड रिलेशन ठीक है तो मैत्री सेतु कौन दो कंट्रीज के बीच का एक ब्रिज है जो कि ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा सितंबर से बांग्लादेश श्रीलंका म्यांमार भूटान या अफगानिस्तान हाँ भी। इसका आंसर क्या है दोस्तों इसका आंसर है बांग्लादेश ठीक है इंडिया और बांग्लादेश जो है ये मिलकर स्ट्रेंथन करने वाला अपना फ्रेंडशिप अपकमिंग ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज मैत्री सेतु ठीक है आप मुझे एक बात बताओ कि भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस कब मनाते हैं भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस कब मनाते हैं सिक्स दिसंबर ओके, रिसेंटली इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम ने सिक्योर किया है विक्ट्री किसके ऊपर इमर्जिंग ट्राइम फेट इन फोर नेशन टूर्नामेंट हेल्ड इन डॉफ जर्मनी ठीक है किसको हरा कर ये विक्ट्री रिसीव किए थे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जर्मनी स्पेन या मलेशिया कौन आंसर क्या है इसका आंसर है इंग्लैंड ठीक है तो देखो इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम ने सिक्योर किया री साउंडिंग विक्ट्री ओवर इंग्लैंड इमर्जिंग ट्राइम फेंट विद स्कोर लाइन ऑफ फोर ओ ठीक है नेक्स्ट देखो कौन सी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने रिसेंटली डिस्कवर किया है एक ड्रीमन पार्टिकल दैट कुड लीड टू मेकिंग ऑफ सुपर दैट कैन ऑपरेट इन रूम टेम्परेचर किसने इसको किसने इसको सॉरी किसने इसको डिस्कवर किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट इलिनॉय के साइंटिस्ट हारवर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के साइंटिस्ट कहां पर किया गया बताइएगा देखो ये किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलेनॉय के साइंटिस्ट के द्वारा उन्होंने एक डीमन पार्टिकल अभी अभी डिस्कवर किया है जिससे सुपर कंडक्टर्स बहुत आसानी से बन सकते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं ये मैसलेस पार्टिकल है जिसको होली ग्रेल ऑफ सुपर कंडक्टर्स कहा जा रहा है वर्ल्ड okay? ठीक है फिर से यह डे लेकिन इंपॉर्टेंट है तो बताइएगा कि ये पर्टिकुलर डे इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेबरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड एट सबोल कब से बीस अगस्त चौबीस अगस्त तेईस अगस्त इक्कीस अगस्त, 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 अगस्त या फिर बाईस अगस्त ओके okay. कौन से क्या है दोस्तों तेईस अगस्त को अब ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने तीन चार पांच बार कर लिया तो शायद आप लोगों को स्लेव ट्रेड से याद होना चाहिए तेईस अगस्त ठीक है सबसे बड़ी बात है कि इसी दिन भारत का नेशनल स्पेस डे बनता है ठीक है इसी दिन नेशनल स्पेस डे मनेगा अगले साल से ठीक है तो इससे आप लोग याद रख सकते हो कि जो है 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 वो मनाया जाएगा जब जो जो कि कि कब होता होता अगस्त को ठीक तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी होगा नेक्स्ट द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया कैपिटल सिटी मणिपुर मिजोरम मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ देखने में तुम लोग अस्सी नब्बे हो लेकिन आंसर देने में आठ लोग भी नहीं दे रहे हो जल्दी क्या है तुम लोगों को सो रहे हो क्या पानी वानी से मुंह धुलो और फिर बैठो अपनी मम्मी से बोलो चाय बना के दो मम्मी नहीं बना रही है पापा दे वो भी नहीं बना रहे तुम खुद बनाओ लेकिन जगो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है मिजोरम ठीक है मिजोरम ऐसा पहला राज्य बन गया जो ऑपरेशनलाइज कर रहा है एवीडीएम माइक्रोसाइट ठीक है

इसका आंसर क्या है शाह कैरी रिचर्डसन ठीक है शाह कैरी रिचर्डसन यूएसए के हैं जिन्होंने के प्री रिस फेवरेट फ्रॉम आउटसाइड लेन को हरा दिया और 100 मीटर वर्ल्ड टाइटल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही थी कहां पर हो रही थी बूढ़ा पेस्ट अंगेरी में ये चैंपियनशिप हो रही थी ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन विद स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग इन वॉयस इंसेंटिव स्कीम बाय द नेम वॉट टू एनकरेज कल्चर ऑफ कस्टमर्स आस्किंग फॉर इन वॉयस विल फॉर ऑल परचेजेस ऑप्शन है मेरा बिल मेरा अधिकार मेरा राशन मेरा अधिकार मेरा मत मेरा अधिकार इनवॉइस अधिकार इनवॉइस सूचना लाभ योजना मेरा बिल मेरा अधिकार मुझे आंसर मिले और कोई

का इनवॉइस नहीं देता है दोस्त बना लिए दोस्त मान लिए अब चलो आगे बढ़ो हो गया हमेशा इनवॉइस मांगा करो कौन सा बैंक है जिन्होंने लॉन्च किया पेंशनर्स लाउंज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे पे यूनियन बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंडियन बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक ओके okay, तो क्या पूछा है आपसे कौन सी बैंक है जिन्होंने लॉन्च किया पेंशनर्स लाउंज ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सीनियर सिटीजन इसका आंसर क्या है पंजाब नेशनल बैंक ठीक है तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे पे पंजाब नेशनल बैंक जो कि नेशन का लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पेंशनर्स लाउंज को ठीक है ये एक डेडिकेटेड स्पेस है विद इन द दे ब्रांच दैट सर्व्स पेंशनर एंड सीनियर सिटीजन विद ऑल देयर बैंकिंग Needs. अब एक बात और बताइएगा सीनियर सिटीजन डे होता कब है वेन इज नेशनल सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेटेड कल पढ़ा था <प्रड़ाता> याद है इक्कीस <coughs> अगस्त को ओके नेक्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने रीकंसिट्यूट किया है नई दिल्ली हेडक्वार्टर्ड एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स टू तो एड्रेस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर हु इज द चेयरमैन ऑफ ए बी ट्रिपल एफ कमेटी शांता कुमार जुआल औरम सेवदा कालिया पर्वत भाई सर्वभाई पटेल या सुरेश एन पटेल इसका आंसर क्या है सुरेशन पटेल ठीक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है नई दिल्ली हेडक्वार्टर एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट टू एड्रेस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर सुरेश पटेल फॉर्मर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं करंट सीबीसी कौन है मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों का दिमाग और माथा ठनकता होगा कि इतना क्या क्वेश्चन पूछती है ठीक है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल में तो मैं आप सभी से बस ये जानना चाहती हूँ कि अभी करंट में हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है पीके श्रीवास्तव ठीक है इनके नाम को याद रखना ये इंपॉर्टेंट है ओके okay. नेक्स्ट अगस्त 2023 में, में कौन सा नेशन इंडियन कोस्ट गार्ड तुमिल्ण। तो को के, के साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड ने वहां की कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर इस इस फिलीपींस की कोस्ट गार्ड के साथ में ठीक है तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड या फिलीपींस की कोस्ट गार्ड के साथ में मैरीटाइम कोऑपरेशन पे काम करने को कहा है ओके व्हिच आरबीआई लाइसेंसाउंट एग्रिगेटेड है

जो कि एक्सेस देगा म्यूचुअल फंड डेटा पे ये बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड डेटा की एक्सेस मिल रही है ऐसे द आंसर इज व्हाट इसका आंसर हो जाएगा कैम्प फिजर्व ठीक है तो कैम्प इन्जर्व जो है ये पहला आरबीआई लाइसेंस अकाउंट अकाउंट एग्रीगेटर मतलब कि सारे के सारे अकाउंट्स को एक जगह एग्रीगेट कर लो और जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन कर लो आसानी से ठीक है तो ये ऐसा पहला बन चुका है जो कि इतने सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज को एक साथ ला रहा है और इन सभी की इन्फॉर्मेशन आसानी से दे रहा है ओके नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज वीडियो री सर्विस टू पीरियोडिक अपडेट ऑफ कस्टमर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो किसने लॉन्च किया है ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके पीरियोडिक अपडेट कस्टमर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का बैंक ऑफ बरोडा बैंक ऑफ महाराष्ट्र कनारा बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक आंसर करो दोस्तों इसका आंसर क्या है बैंक ऑफ बरोडा ठीक है तो बैंक ऑफ बरोडा जो कि एक स्टेट ओन बैंक है इन्होंने लॉन्च किया है वीडियो री के वाई सी सर्विस ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके पीरियॉडिक अपडेट कस्टमर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को ठीक है यहाँ पे अलाउ किया जाएगा इंडिविजुअल रेसिडेंट कस्टमर्स को कि अपना केवाईसी डिटेल अपडेट कर सके और इन्हें ब्रांच आने की इससे नीड भी नहीं होगी ठीक है नेक्स्ट देखो इंडिया और आशियान कंट्रीज ने अग्री किया है कि रिव्यू करेंगे अपना फ्री ट्रेड पैक फॉर गुड्स किस ईयर तक ये किया जाएगा 2024 25 30 27 या बत्तीस दोस्तों क्या कहते हो सोनू जोशी को ब्लॉक मारा जाए हाँ या ना ये भी बताओ कमेंट में सभी लोग चलो इसका आंसर करना जरा मारा जाए ना रुको एक और कोई मैसेज करे फिर मारती हूँ ठीक है चलो बस दो मिनट रुक जाओ एक बार और मैसेज आए फिर मैं मार देती हूँ ब्लॉक इसको घबराओ नहीं तुम लोग घबराओ नहीं पटक के मारी है ब्लॉक अच्छा इट्स नॉट ओके सोनू जोशी कहीं क्लास में जाओ तो कायदे से रहो वरना क्लास में मत जाओ तुम क्लास के लिए हो ही नहीं बेवकूफ

ठीक है ये मैंने आपको पहले बता रखा है इसलिए मैं फिर पूछ रही हूं आप लोग बताइएगा जरा नहीं याद हो तो सेशन के बाद देखना लेकिन देखना इंपॉर्टेंट है अगला अगस्त 2023 में श्रेटा थविसन वन वोट टू तो बिकम विच नेशन थर्टी प्राइम मिनिस्टर कंबोडिया इंडोनेशिया मलेशिया म्यांमार या फिर थाईलैंड <coughs> इसका आंसर क्या है दोस्तों थाईलैंड ठीक है तो फॉर्मर रियल एस्टेटेड अगला इंडिया में साउथ पोल इंडिया मून रोवर टेकन फर्स्ट स्टेप ऑन लूनोस ठीक है तो हमारे रोवर का क्या नाम था प्रज्ञान विक्रम अरिवु प्रणव या वेदांत था से थाईलैंड वाह ओके तो रोवर वाला सवाल आसान है ये सभी लोग जानते लगभग लगभग है ना हाँ हमारा प्रज्ञान था भारत ऐसा पहला देश बन गया है जो मून की साउथ पोल पर उतरा है इसके अलावा अच्छा ये प्रज्ञान का क्या वेट था 26 किलो का वेट था याद रखे रहिएगा संस्कृत वर्ड है किसके नाम का विजडम का ठीक है अच्छा एक और भी बात मून पे लैंड करने वाली तो चार कंट्री हो चुकी है यूएस रशिया चाइना इंडिया लेकिन साउथ पोल पर लैंड करने वाली इकलौती इंडिया है और किसी ने अभी तक ही लैंड नहीं किया है ठीक है इस पॉइंट को याद रखना इंपॉर्टेंट है ये विच इंडियन शूटर वन गोल्ड मेडल इन मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग इवेंट एट ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 23 इन बाकू अजरबैजान संजीव राजपूत दीपक कुमार विजय कुमार अमनप्रीत सिंह या अनीश भहनवाला गुड मॉर्निंग इसका आंसर क्या है अमनप्रीत सिंह ठीक है इंडियन शूटर अमनप्रीत सिंह वन गोल्ड मेडल इन मीन ट्वेंटी हो रही थी बाकू अजी में वेन्यू याद रखना इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा सभी ठीक है नेक्स्ट देखो अगस्त 2023 में किसको को डिक्लेयर किया गया था नेशनल आइकन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि उनका वोट में पार्टिसिपेट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है सचिन महेंद्र सिंह धोनी, अजय देवगन विद्या बालन या अमिताभ बच्चन बताइएगा सचिन 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 ओके इसका आंसर क्या है दोस्तों सचिन तेंदुलकर ठीक है तो सचिन तेंदुलकर जो कि भारत रत्न अवार्डी हैं, इनको अपॉइंट किया गया था नेशनल आइकन के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये लोगों को इनकरेज कर सके वोटर्स को इनकरेज कर सके कि उनका वोट में पार्टिसिपेशन कितना इंपॉर्टेंट है अगले साल फिर से हमारे वहां पर लोकसभा इलेक्शन है लोग जान सकेंगे कि उनका एक वोट क्या कुछ कर सकता है ठीक है चलो इन ऑगस्ट ट्वेंटी थ्री विथ सिंबोम्बियन क्रिकेटर पास एट द एज ऑफ फोर्टी नाइन आफ्टर विथ कैंसर एथेनोसिस जैन एंडी फ्लार हेथ हिस्ट्री चार्ली लॉक या ग्रेविन रीनी बताओ भाई द आंसर विल बी वॉट हिथ हिस्ट्री जिम्बॉम्बियन क्रिकेटर आइकन हीज पास डिबेट दोर्टी नाइन आफ्टर अ प्रोलॉन्ग बैटल इन ऑगस्ट ट्वेंटी थ्री इन्फोसिस अपॉइंटेड होम एज इट्स एम्बेसिडर फॉर कंपनी डिजिटल इनोवेशन नोवैक जोकोविक कार्लॉस अलकर नडल जेनिक सिनर या डेनल मिडलडेव ठीक है बताइएगा नहीं नाइन ओ तक नहीं करूंगी उसके कुछ देर पहले तक मैं छोड़ दूंगी ठीक है कोशिश करूंगी कि आप लोगों को पौने नौ तक फ्री कर दूँ ताकि आप लोग पंद्रह बीस मिनट मजे कर लो ओके okay, हाँ थोड़ा रुक जाते अब तो वैक्सीन भी आ गई कैंसर की अरे यार सुनो अगस्त 2023 में ने किसको अपॉइंट किया था अपना डिजिटल इनोवेशन के लिए तो इन्होंने रफेल नडाल को किया था और ईगाइट को भी किया था दोनों लोगों को अपॉइंट किया था अपना नया एम्बेसडर ठीक है किसकी बात हो रही है इन्फोसिस की बात हो रही है ठीक है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसिज दर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी वॉज इनोग्रेटेड त्रिवेंद्रम रांची अलीगढ़ ममलपुरम या अहमदाबाद

जैसे अगर मान लो ही इज स्टिल अलाइव मैं इतना क्रिकेट नहीं देखती हूँ लेकिन हेनरी ओलोंगा का कुछ स्टेटमेंट आया था दैट ही तो मैं आपसे ये बस इसलिए पूछना चाहती हूँ कि इन केस ही इज भगवान करिए जिंदा रहे तभी भी मान लो ये एक रूमर हो भी गया क्वेश्चन यहां से बन सकता है ठीक है क्वेश्चन कैसे बन सकता है की क्रिकेट से ठीक है अब जिम्बॉम्बे की स्पेलिंग बहुत कठिन अजीब सी होती है ठीक है या इनके रिकॉर्ड्स वगैरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं सो so, एक बार ये आप लोग देख लेना इन्होंने खुद इन्फॉर्म किया था तो वापस जिंदा ही होंगे ठीक है तब नहीं ये गए होंगे लेकिन जितनी ऐसे न्यूज आ रही थी टोल्ड हाँ, no लड़ते, लड़ते, लड़ते तो तो दूंगी, तो दूंगी टेलीग्राम वगैरह पर या तो मैं देख करके बता दूंगी ठीक है अभी तो सेशन चल रहा है सेशन के बीच में तो कैसे ही करूं लेकिन सेशन के बाद में मैं देख लूंगी क्योंकि मुझे ऐसा याद है मेरी यही सेम डिस्कशन हो रही थी किसी से चलो हाँ अगला देखो

ओके okay. तो आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बैक किया था बेस्ट ईएसजी रेटिंग अमंग इंडियन लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज ठीक है इसमें कौन था याद रखिएगा ये आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ था इन्हें uh, इन्हें मिला था बेस्ट ईएसजी रेटिंग अमंग इंडियन लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज ओके विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन नेगेटिव गैरिसन विद कमीशनिंग ऑफ फाइव मेगावाट सोलर पावर प्लांट कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग आर्मी इंस्टीट्यूट मिलिट्री कॉलेज ऑफिसर्स ट्रेनिंग या नेशनल डिफेंस आज मिल जाएगी आज मिल जाएगी घबराओ नहीं इसका आंसर क्या था द करेक्ट आंसर इस कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे इन्हें जो है पुणे बेस्ड कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग इंडिया का पहला कार्बन सोलर पावर प्लांट स्टेट इज फर्स्ट टू लॉन्च ब्रेकफास्ट स्कीम गीज एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंट स्कूल ठीक है तो कौन से राज्य ने अपने वहां पर ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अपने वहां पर लेकर आये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश हरियाणा हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु या फिर कर्नाटका हाँ हो रहा है गोल्डी तुम्हारा भी आंसर शो रहा है क्या है तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु राज्य सरकार ऐसा पहला राज्य सरकार बन गया है जिन्होंने अपने वहां पे ब्रेकफास्ट स्कीम जारी कर दी है थर्टी वन थाउजेंड स्कूल में एक रोबस्ट ट्रैक है जिससे जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट बढ़ाया जा सके किसके अंदर बढ़ाया जा सके गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ओके okay? अगस्त 2023 में कौन से देश को एडमिट किया गया था एज न्यू मेंबर लिया गया सऊदी अरेबिया बहरान उमान कतर हेलो धनवर पिछले वाले का आंसर कौन सा ऑप्शन था सेम लग रहा था जबरन हाँ तो आपसे क्या पूछा हुआ है किसको एडमिट किया गया है ब्रिक्स ब्लॉक का नया मेंबर सऊदी अरेबिया को एडमिट किया गया ठीक है अर्जेंटीना इजिप्ट ईरान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ये नए मेंबर बन जाए इस ब्लॉक के ब्रिक्स जो है ये पांच कंट्रीज की क्या है ग्रुपिंग होती है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू अपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम अबाउट 30000 बर्ड वॉचर्स अक्रॉस दंट्री इन कंट्री

नेक्स्ट रिसेंटली मुरमानस्क पोर्ट वॉज न्यूज इन विच नेशन द पोर्ट इज लोकेटेड अफगानिस्तान उजबेकिस्तान पाकिस्तान रशिया या जापान कहा पर यह लोकेटेड है गुड मॉर्निंग बताओ अभी किसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि अभी अभी ये मुरमानस्क पोर्ट न्यूज में था कहा पर लोकेटेड है ये

तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया था यह दिया गया था द नामबी इफेक्ट ठीक है पुष्पा वाले अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया था मीमी के लिए कृति सनोन को और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए ठीक है नेक्स्ट फिनिश्ड फिफ्थ इन द वुमेन्स ट्रैप फाइनल

हाँ, तो आपसे पूछा क्या राजेश्वरी कुमारी ठीक है राजेश्वरी कुमारी, राजेश्वरी कुमारी ने सिक्योर कर लिया अपना दूसरा शूटिंग स्पॉट इंडिया के लिए ठीक है पेरिस 2024 ओलंपिक्स में ये फिफ्थ आई थी वुमेन्स ट्रैप फाइनल आई वर्ल्ड चैंपियनशिप इन बाकू ओके किया था आसान भी था एम्बरेज इक्वालिटी कुछ ऐसे इस बार थीम्स थे जो बहुत आसान थे याद करने को जैसे उसमें से एक ये भी है एम्बरेस इक्वालिटी ओके हाँ तो वुमेन्स इक्वालिटी डेट कब होता है 26 अगस्त अच्छा जो एसडीजीज होते हैं एसडीजी इसमें कौन सा गोल नंबर है जो इक्वालिटी की जेंडर इक्वालिटी की बात करता है मान लो आपसे क्वेश्चन में दे दे थीम दे 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 और आपसे पूछ ले कि कौन सा गोल है जो इसके बारे में बात करता है तो सेवेंटीन तो मुझे भी पता है टोटल होते हैं लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और है ना मैं ये बोल रही हूं कि इन टोटल 17 गोल्स में कौन सा गोल होता है जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है किसी को याद है तो बताओ गोल फाइव होता है ओके okay. अगला अगस्त 2023 में विच ऑफ द फॉलोइंग इसको सही कर लेंगे ठीक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेयरी ब्रांड हैज बीन रैंक्ड एज सेकंड स्ट्रांगेस्ट फूड ब्रांड वर्ल्ड पार्ले वाडीलाल अमूल बालाजी या किसान

और डेयरी में तो ये टॉप पर था कब की रिपोर्ट है अगस्त दो हजार तेईस की रिपोर्ट है इसको जरा आप लोग सही कर इंडियन सिटी है 2022 अंडर फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंटेस्ट सूरत मथुरा हजारीबाग इंदौर या जबलपुर देखो इसका सही आंसर क्या है इंदौर ठीक है तो इंदौर जो है ये टॉप पोजीशन पर था सिक्योरिंग नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड सूरत और आगरा इमर्ज के और में। स्टेट्स में आगे कौन था मध्य प्रदेश था ठीक है टॉप पे ओके याद रखे रहिएगा चलो अच्छा ये स्मार्ट सिटी जो मिशन था इसको लॉन्च कब किया गया था इसको लॉन्च किया गया था इन दर टू थाउजेंड इसका मकसद था कि 100 स्मार्ट सिटीज बनाए जाएं अभी तक हमारे देश में 60 परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है किस मंत्रालय के अंदर आता है महुआ के अंदर आता है द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अंट्रैक्ट विथ होम फॉर एक्विजीशन ऑफ फ्लीट सपोर्ट शिप जिसके लिए इन्होंने उन्नीस हजार का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन नेवी के लिए यह शिप्स चाहिए होंगी ऑप्शन है हिंदुस्तान शिप यार्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गोवा शिप यार्ड मसगा लिमिटेड गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड हाँ भाई इसका आंसर क्या है हिंदुस्तान शिप यार्ड ओके okay? तो हिंदुस्तान शिप यार्ड के साथ में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है ठीक है कि अक्वायर कर सके फ्लीट सपोर्ट शिप इंडियन नेवी के लिए कितने में उन्नीस हजार करोड़ में ओके अगस्त 2023 में एनएचपीसी और एपी जेनको ने ज्वाइन किया है एक दूसरे को और इंप्लीमेंट करने को कहा पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश तेलंगाना या कर्नाटका

तो अभी अभी जो है अपने वहाँ पे डोमेस्टिक प्राइस को सही रखने के लिए और अपने वहाँ पे भी प्रॉपर रखने के लिए सरकार ने कहा है कि हम कितना परसेंट टैक्स लगाएंगे पैराबोइल राइस के एक्सपोर्ट पर टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट थर्टी फाइव परसेंट या फिर फोर्टी परसेंट बताओ भाई करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी ने कहा है कि अपने वहां पे जो हमारे वहां के चावल उनको रखने के लिए हम लोग दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो हो के फिर एक्सपोर्ट ना करें ओके नेक्स्ट अगस्त 2023 में जो लोकेशन है मून के साउथ पोल जहां पे चंद्रयान थ्री सक्सेसफुली लैंड किया था इसका नाम क्या रखा गया शिवशक्ति पॉइंट चंद्रशक्ति पॉइंट तिरंगा भारत या ओमकार Yes. इसका क्या नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट अगस्त दो में जो लोकेशन था मून के साउथ पोल का जहाँ पे चंद्रयान थ्री लैंड किया था उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट बोले और जहां पर चंद्रयान टू लैंडर वाइल द एरिया वेयर चंद्रयान टू लैंडर अनफॉर्चुनेटली क्रैश्ड विल नाउ बी रेफर टू तो एस तिरंगा पॉइंट तो जहां पे वो क्रैश हो गया तो उसको तिरंगा कहेंगे और जहां पे आज लैंड किया था अभी अः तेईस अगस्त को उसे कहा जाएगा शिव शक्ति पॉइंट

क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में इंडियन एयरफोर्स ने प्लेज किया था कि सपोर्ट करेंगे सात सौ पैंसठ टीबी कौन सी स्कीम के लिए किया जाता है उनको न्यूट्रिशन कह सकते हो वॉल्टर उनकी हेल्प करना इनका काम होगा ठीक है तो इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि वो लोग लो अपनी तरफ से कुछ छियालीस लाख लगाएंगे और पेशेंट्स को अडॉप्ट करके उनकी मदद करेंगे भारत का मकसद है कि टीबी को एलिमिनेट कर सके हम लोग बाई द इ्वेंटी ट्वेंटी विच स्टेट गवर्नमेंट है एम डेट कल्टिवेटिंग एंड नर्चरिंग स्पोर्ट्स टैलेंट्स फ्रॉम ग्रास रूट्स लेवल अरुणाचल प्रदेश असम छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल या फिर राजस्थान बोलो भाई कब तक चलेगी क्लास जब तक है जहा नहीं सबकी जान हमेशा रहेगी साढ़े आठ पौने नौ तक सॉरी फॉर माई वर्ड एक घंटे और हाँ भाई इसका आंसर क्या था इसका आंसर था आसाम ठीक है तो जो स्टेट गवर्नमेंट है आसाम की चीफ मिनिस्टर यहाँ के हिमांता बिस्व शर्मा इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज करेंगे एक सपोर्टिंग इवेंट जिसका नाम होगा खेल महारान ठीक है इन द स्टेट इन द मंथ ऑफ नवंबर किया जा रहा है कि पॉपुलराइज किया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू डिक्लेयर कुंभालगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट कुंभालग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड असम प्रदेश गुजरात राजस्थान तमिलनाडु बताइएगा हाँ कहीं तुम लोग कोने में बैठ के तो नहीं रहो मैडम पढ़ा पढ़ा के क्या करना चाहती है देखो क्या पूछा हुआ है आपसे अगस्त 2023 में जो यूनियन मिनिस्ट्री एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के इन्होंने क्लियर किया था नेशनल कंजर्वेशन ताइ, अथॉरिटी इन प्रिंसिपल अप्रूवल की डिक्लेयर किया जाए कुभालगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज अ टाइगर रिजर्व कहाँ पर ये लोकेटेड है इसके नाम से हम लोग को शायद थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है ठीक है खंबा गणनी कुंभालगढ़ हमें एक जैसा थोड़ा सा लगता है तो ये कहाँ का है राजस्थान का ओके यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डिक, डिक्लेयर किया कि इसको जल्दी हम लोग क्या करेंगे टाइगर रिजर्व की तरह डिक्लेयर कर देंगे करंट में भी कितनी है फिफ्टी थ्री है ये और बन जाएगा और जब इस बार टाइगर की पॉपुलेशन बताई गई थी तो वो कितने टाइगर रिजर्व्स में बताई गई थी ये तुम लोग बताओ ठीक है इस बार जब टाइगर की पॉपुलेशन बताई गई थी ना तो कितने टाइगर रिजर्व की टोटल पॉपुलेशन को कंसिडर करके अपने वहां पर टाइगर की पॉपुलेशन रिलीज की गई है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स इन एमपी टाइगर डे कब होता है ट्वेंटी जुलाई होता है किस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा टाइगर्स होते हैं जिम कॉर्बेट के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर्स हुआ करते हैं ये सारे पॉइंट तो छोटे छोटे से हैं नेक्स्ट देखो रिसेंटली ड्यूरिंग द ब्रिक्स मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गिफ्टेड विच पेंटिंग टू ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ठीक है तो कौन सी पेंटिंग इन्होंने ब्राजीलियन प्रेसिडेंट को दिया था ऑप्शन देखो वार्ली फोक गोंड आर्ट तंजोर पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग पट्ट पेंटिंग अगर आप ध्यान दो सारी की सारी पेंटिंग्स जीआई टैग्ड है आपसे पूछा जा रहा है कौन सी पेंटिंग इन्होंने दी थी गोंड आर्ट पेंटिंग ठीक है अभी जब ब्रिक्स मीटिंग हो रही थी तो प्रधानमंत्री जी ने गिफ्ट किया था गोन पेंटिंग ब्राजीलियन प्रेसिडेंट को लूला अच्छा, ये मीटिंग वो कहां पर होगी हो ब्राजील के अंदर ये मीटिंग अगले साल होगी रिसेंटली कौन सा एडिशन हुआ है इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी में 22 से 25 अगस्त सिडनी में तीसरा फिफ्थ फोर्थ सिक्स या नाइन्थ कौन सा नंबर का एडिशन था मुझसे पूछते हैं फिफ्थ फोर्थ थर्ड सिक्स मुझे थोड़ी पता है 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 मुझे पता होता तो क्यों पूछती मैं ठीक तो देखो अभी, अभी पांचवा चरण हुआ है, का नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेव, नेवी के बीच में ठीक है इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में क्वैड कंट्रीज का मालाबार एक्सरसाइज भी हो रहा था क्वैड कंट्रीज की कौन कौन सी कंट्री होती है इंडिया यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया इनका भी मालाबार एक्सरसाइज चल रहा था ठीक है चलो अगला देखो

लेकिन लोगों की आदत नहीं बदलती है क्या कर सकते हो देखो इसका आंसर क्या था नीरज चोपड़ा ठीक है ये तो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर रखा है इस सेम क्वेश्चन को नीरज चोपड़ा जी पहले ऐसे भारतीय एथलीट बन गए हैं जो कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीते हैं इसके अलावा इन्होंने ओलंपिक में अपना नाम बनाया था डायमंड लीग चैंपियनशिप दोनों जगह ये पहले भारतीय बने थे जिन्होंने गोल्ड जीता था इस बार ही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो बूटा पेस में हो रहा था यहाँ भी इन्होंने गोल्ड जीता था कितना लंबा अपना भाला फेंका था एटी मीटर ठीक है इनके अलावा दो और भी लोग थे जिन लोगों का नाम आया था कहां पर आया था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के टॉप एट जैवलिन थ्रो में ठीक है टोटल थ्री इंडियंस थे अब ये तो मैं आपको सच में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स में ही बता दिया था ये आप लोग बताओ ओके कौन कौन थे और दो इंडियंस थे जिनका नाम यहां अपियर किया था अगला कौन सी राज्य में कोजमा मिनिन नजिन गोरड स्टेट पैडागोजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया विल स्टेब्लिश स्टडी सेंटर इस यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ने जाएगा अगर पढ़ाती है कोई पढ़ने जाता है तो उसका पूरा खानदान नहीं बता सकेगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में है क्योंकि नाम ही नहीं ले पाएगा को कोई <laughs> तो क्या पूछा जा रहा है आ, अच्छा ठीक है ये कहाँ पर होगा उत्तर प्रदेश मिजोरम असम उत्तराखंड या गुजरात साइड हाँ मैं साइड हो गई भैया तुम बहुत पढ़ हो? रहे हो साइड मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं मिजोरम मिजोरम ही होगा आप तो ऐसा क्या है मिजोरम में देखो मोज़मा मिनी निन्जी नोवगोराड स्टेट पेडागोजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया एस्टैब्लिश करेगी अपना स्टडी सेंटर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश इन सितंबर 2023 ओके एज पर रिपोर्ट ऑन 65th सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम व्हिच स्टेट पजजेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स इन द कंट्री सबसे द माइनर इरिगेशन स्कीम कहां पर होती है कर्नाटका उत्तर प्रदेश तेलंगाना हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान बताइएगा बोलो भैया बोलो जल्दी दांस विल उत्तर प्रदेश ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजोविनेशन ने रिलीज किया है, रिपोर्ट, रिपोर्ट के है जिनको रिपोर्ट किया गया कंट्री में जिसमें से ट्वेंटी थ्री मिलियन ग्राउंड वाटर और वन मिलियन सरफेस वाटर स्कीम्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एज वन नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस ऑन ए बेस्ड लकी बिल एप इट डेवलप्ड फॉर द स्टेट्स जीएसटी डिपार्टमेंट रूरल ई सेवा डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल ई संपर्क हरियाणा बोर्ड या फिर ई कृषि विपानन बताइएगा बोलो भाई जल्दी बोलो पोल लगवाना भूल गई यार मैं पोल पहले लगवा दी होती सही होता तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, है आपसे पूछा जा रहा है, से कौन है? जैसे मिला है e के लिए ए आई बेस्ड लकी डेवलप किया गया, था, की के तो ये दिया गया है डिजिटल यूनिवर्सिटी डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल को मिला है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस फॉर एआई बेस्ड लकी बिल ऐप इट डेवलप फॉर द केरल जीएसटी डिपार्टमेंट दैट इन्श्योर टैक्स कंप्लाइन अपार्ट फॉर प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ठीक है अगला देखो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होस्ट करेगा जी ट्वेंटी टेक्निकल वर्कशॉप ऑन वन हेल्थ वन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस क्या आंसर है बताओ

कोई बात नहीं कोई बात नहीं ऐसा होता है सही गलत तो लगा रहता है क्या करोगे कुछ नहीं कर सकते हो ठीक है अब बताओ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली प्रकाश जावड़ेकर एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर की बात हो रही है प्रकाश जावड़ेकर तुमको कहां से याद आ गए आज <laughs> तोमर साहब का क्या होगा वो कोने बैठ के रोएंगे हमारी मिनिस्ट्री किसी और को पकड़ा दिया बैठे बैठे कहा याद आ गया तुमको तनवर <laughs> अच्छा और इनकी आ, इनकी वो क्या होती है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है मोरेना ठीक है चलो मुझे तो समझ आता है मेरा दिमाग थोड़ा चकराया रहता है पूरा दिन काम करके तुम लोग का क्यों चकराता है पढ़ पढ़ के सेम ब्रो सेम ऐसा कह सकते हैं हम लोग नहीं कोई बात नहीं तीन चार महीने की मेहनत है दोस्तों तीन चार महीने मेहनत कर लोगे ना तो अगले साल तुम लोग यहाँ पे लोगों को बताते रहोगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए हमारा कैसे सिलेक्शन हुआ था तो ये तीन चार महीने तीन चार महीने लग के मेहनत कर ली जाए आप बताओगे हम आपके माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे तो यही चलेगा अगले साल तक ठीक है चलो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू ऑनर बर्थडे ऑफ ध्यानचंद अ फील्ड हॉकी प्लेयर ट्वेंटी फिफ्थ ऑगस्ट ट्वेंटी सेवन या ट्वेंटी

बोलो भाई आंसर बोलो जल्दी ओके okay, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने बैन किया है यूज और प्रोडक्शन प्लास्टिक वाटर बॉटल्स का बिलो वन थाउजेंड था। कैपेसिटी इन द स्टेट फ्रॉम अक्टूबर टू तो ये करने वाला असम है असम की जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन्होंने इशू किया है एक नोटिफिकेशन और बैन किया है यूज और प्रोडक्शन प्लास्टिक वाटर बॉटल्स एक मिलीलीटर कैपेसिटी से कम वाले कब से इसको शुरू कर दिया जाएगा दो अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी अगस्त 2023 में इंडिया ने ऑफिशियली हैंडओवर कर दिया था बिजनेस ट्वेंटी प्रेसिडेंसी किस देश को ठीक है कि वो अब G20, अब अपने वहां पर कराने वाला है 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 ना तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो बी ट्वेंटी की अध्यक्षता दी गई है किस देश को की गई है क्योंकि अब वहीं पे जी अगले साल होने वाला है ब्राजील ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका कनाडा या चाइना यस नेक्स्ट ईयर जो जी uh, ट्वेंटी है ये कहां पर होगा ये ब्राजील के अंदर होगा तो जो बी की अध्यक्षता है ये भी इनको दे दी गई है

ओके okay. तो so, आपसे पूछा जा रहा था कि आ, इंडिया जो है ये क्लाइमेट चेंज और हेल्थ अब शुरू करने वाली है कहां पर तो ये शुरू करेगी नई दिल्ली में किसके साथ मिलकर के कर रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर के कर रही है ये नॉलेज शेयरिंग और पार्टनरशिप इनोवेशन होगा जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करेगा इन्फेक्शन डिजीज एंड नेचुरल डिजास्टर्स ड्रिवेन बाई क्लाइमेट चेंज टू जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से चैलेंजेस है उनको एड्रेस करने में मदद करेगा अगला रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ने ऑर्गेनाइज किया है चिंतन शिविर हाँ प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च आई आई टी आर हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है पुणे कोलकाता न्यू दिल्ली चंडीगढ़ लखनऊ

आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य में होता है किसकी बात हो रही है चोकुआ राइस की कल हमने पढ़ा था कि इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है बहुत मनमोहक तो किस राज्य में डेवलप किया जाता है अरुणाचल प्रदेश मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल गुजरात या फिर असम असम में ठीक है क्यों इसकी मान्यता है वहां की जो जो असम की अहोम डायनेस्टी थी वो इसको बहुत यूज करती थी इसलिए इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है

ये किया जा रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक से ये हमारे देश का सबसे पहला पेमेंट बैंक था जिसने अपनी शुरुआत करी थी राजस्थान से ये सवाल पूछा जा चुका है 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 कई बार तो तो भी भी याद रखिएगा कोई पेमेंट बैंक अगर अपना बिजनेस कर रहा है, तो उसकी मिनिमम कैपिटल करोड़ नीड होती है. कभी भी ये लोग लोन नहीं देंगे एडवांस नहीं देंगे क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे ओवर ड्राफ्ट नहीं देंगे आपके मैक्सिमम डिपोजिट दो लाख तक लेंगे एफडीआर नहीं करेंगे अगर बाई चांस इन्होंने ये सुविधा देने को कहा है तो ये थर्ड पार्टी की मदद से करते हैं इनके लिए अलाउड नहीं है हमारे देश में कुल छह पेमेंट बैंक है एयरटेल फिनो आईपीपीबी Uh, और कौन सा होता है जियो एन एस डीएल और एक और होता है वो तुम लोग बताओ इसमें से चार जो है ये क्या होते हैं ये आपके शेड्यूल कमर्शियल होते हैं जियो और एनएसडीएल ये दोनों शेड्यूल कमर्शियल नहीं है बाकी जो चार होते हैं वो चार के चार आपके क्या होते हैं शेड्यूल कमर्शियल होते हैं यस जियो शेड्यूल आर नॉट फिनो को स्मॉल फिनांस बैंक का लाइसेंस दिया नहीं गया है फिनो की जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह से काम कर सकते हैं अभी आरबीआई के पास अप्लाई करके या पूरा ऐसा कुछ हुआ नहीं है है लेकिन इसको अप्रूवल दे दिया गया ठीक अगला देखो एज पर वर्किंग पेपर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वॉट रैंक इंडिया सिक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्यूल सब्सिडीज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ चार्लिन चैपली Distracting डिशेंसी is disastrous. I agree. चलो अब इसका आंसर बताओ चार्ली चैप्लियन आप भी बताइएगा okay, इसका आंसर क्या है दोस्तों देखो इसका आंसर है फोर्थ ठीक है तो वर्ल्ड बैंक सॉरी अभी अभी एक वर्किंग पेपर रिपोर्ट आती है आई एम एफ की बताया था कि इंडिया की जो रैंक है ये फोर्थ है फॉसिल फ्यूल पे सब्सिडीज जैसे कि पेट्रोल पर या uh, केरोसिन पर इन सारी चीजों पे जो सब्सिडीज है फॉसिल फ्यूल्स पर ही तो है, तो है 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 उसमें भारत फोर्थ पे ठीक चाइना टॉप पर है इसके बाद यूएस और रशिया होती है यूरोपियन यूनियन और जापान ये दोनों मिलकर के फिफ्थ स्पॉट शेयर करते हैं ग्लोबली जो टोटल फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज है ये सेवन ट्रिलियन डॉलर दिया गया था 2022 में जो कि पूरे विश्व के जीडीपी का सेवन पॉइंट वन परसेंट है एकदम आयरनी है एक तरफ लोग कहते हैं कि ग्रीन क्लीन करो और दूसरी तरफ फॉसिल फ्यूल्स पे इतनी सब्सिडीज देते हैं उसका रीजन ये भी है कि अभी इतनी ईवीज आई ही नहीं है तो दोनों को बैलेंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है इसके लिए ये जो संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक संस्था इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी करी है रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने रिलीज किया था कितने का कोमटिव कॉइन एंटी रामाव की बर्थ एनिवर्सरी पे सौ पांच सौ दस पचास या दो सो पूरा क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है इसलिए मैंने 500 इस पीडीएफ में रखे हुए हैं ठीक है थीके? 500 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे मैं कितने कराती हूँ ये देखा जाए आई एम होपिंग कि कम से कम 200 तो करा ही लूं 200 भी बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि अभी तक 80 क्वेश्चंस ही हुए हैं इसका आंसर क्या है 100 ठीक है तो 100 का एक कमेमोरेटिव कॉइन किया गया था एनटीआर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन इनकी एनिवर्सरी थी उस पे 100 का कॉइन लाया गया था ठीक है डॉक्टर सोनाली घोष बिकम द फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ नेशनल पार्क द पार्क इज लोकेटेड इन ये बहुत आसान है किसके बारे में पूछा जा रहा है देखो पहली वुमेन फील्ड डायरेक्टर कजिरंगा की सोनाली घोष बनाई गई है कजरंगा है कहां पर असम के अंदर ये पार्क है ठीक है किस लिए जाना जाता है वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस होता है नेक्स्ट क्या है जयंता महापात्रा की मृत्यु हो गई है कटैक ओडिशा में ही बिलोंग टू प्रोफेशन पॉलिटिशियन इंग्लिश पोएट रिसर्चर एक्टर या मैथमेटिशियन ठीक है है किसकी बात हो रही जयंता महापात्रा की इनकी क्या हुई है इनकी मृत्यु हो गई है ये किस प्रोफेशन को बिलोंग करते थे तो ये बिलोंग करते थे इंग्लिश पोएट ठीक है जयंत महापात्रा वन ऑफ इंडिया नोन इंग्लिश पोएट पास अवे इन स्टेट रन एससीवी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कटैक विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज गोइंग टू बैन चिल्ड्रन फ्रॉम वेयरिंग अभा Schools, England, Germany, France, Australia, या कौन से, आ, कौन से देश ने कहा है कि जो अब मुस्लिम औरतें वो हम अपने स्कूल में बच्चों को मना करेंगे पहनने से ये करने वाला कौन सा देश है फ्रांस फ्रांस ने इसको मना कर दिया है कि बच्चे इसको नहीं पहनेंगे लूज फिटिंग फुल लेंथ रोब्स जो कि मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं ओके नेक्स्ट योगी आदित्य जी ने लॉन्च किया है कौन सा ऑपरेशन काउस स्लॉटर के लिए उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कन्वेंशन कंजर्व कनेक्ट कन्विक्शन नन ठीक है तो जो काउस स्लॉटर होता जाता है ठीक है उसको कब करने के लिए कौन सी ऑपरेशन को लॉन्च किया गया ये सवाल पूछा जा रहा है किसको किया गया ऑपरेशन कन्विक्शन को ठीक है ऑपरेशन फॉर क्लाउज लॉटर इन उत्तर प्रदेश ठीक है ताकि बीस केसेस जो हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है विद इन थर्टी डेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इट ऑन क्राइम सच एज रेप मर्डर रिलीजियस कन्वर्जन एंड ऑफेंसेज अंडो एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी फॉलोइंगज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेम्पो ग्रुप टू लॉन्च अ कोलेबोरे मॉडल टू बिल्ड अ कमर्शियल वेसल इन थ्री प्रीमियर शिप यार्ड ऑफ डेंट गोवा एंड भावनगर शिपिंग कॉर्पोरेशन कंटेनर कॉर्पोरेशन स्टील अथॉरिटी एंड कंपनी या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इसका आंसर क्या था दोस्तों गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ठीक है तो डिफेंस पीएसयू जीआरएससी ने कहा है कि ये साइन कर रहा है एक एमओयू डेम्पो ग्रुप के साथ में ताकि कोलैबोरेट करके बिल्ड कर सके कमर्शियल वेसल थ्री प्रीमियर शिपयार्ड्स में ओके

रिसेंटली कौन है फिफ्थ इंडियन मैन सिंगल प्लेयर बना है जिन्होंने जीता है में तो ये जीतने वाले कौन बने थे दोस्तों वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप यहाँ पे विनर कौन थे थाईलैंड के कुलावुत करके हैं विद्युतान कुलावुत वो यहाँ के विनर थे गोल्ड जीते थे पहले थाईलैंड प्लेयर थे जो जीते थे ओके और ये पांचवें ऐसे भारतीय प्लेयर हैं जिन्हें मेडल मिला है मेन सिंगल्स टाइटल में ओके इन 23 आईटी बॉम्बे ने पार्टनरशिप किया था किस बैंक के साथ की वो सपोर्ट करेगा इनोवेशन लेट ग्रीन हाइड्रोजन इनिशियटिव एच एस बीसी का आंसर क्या है एच एस बी सी ठीक है तो आई बॉम्बे ने पार्टनरशिप किया एच के साथ में कि वो सपोर्ट करेगा इनोवेशन लेट ग्रीन हाइड्रोजन इसके लिए इन्होंने 15 करोड़ का ग्रांट भी दे दिया है

ये हम लोगों ने पहले भी कर लिया था याद हो तो बताओ इसका आंसर क्या होगा यूएनईपी ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज से दो तीन दिन पहले ही मैंने ये क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस किए थे नेक्स्ट वेज स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इनिशिएटेड नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम एंड फैमिली आईडी पोर्टल टू स्टैब्लिश यूनिक फैमिली आईडी अंडर वन फैमिली वन आइडेंटिटी इनिशिएटिव मध्यप्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश केरल या छत्तीसगढ़ उसका आंसर क्या है दोस्तों उत्तर प्रदेश ठीक है तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया था नंद बाबा मिल्क मिशन ताकि अपने वहां पे जो जितने भी इनके वहां के मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको फेयर प्राइस मिल सके और साथ ही साथ में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके ओके okay, तो इन्होंने कौन से मिशन को लॉन्च किया था नंद बाबा मिशन इसके लिए इन्होंने कितने रुपए दिए हैं एक हजार करोड़ ओके रिसेंटली माइनॉरिटी स्टेक एक्विजिशन ऑफ होम बाई इन्वेस्टमेंट होल्डिंग बीवी एंड इनफिनी पार्टनर हैज बीन अप्रूव्ड बाय कमीशन ऑफ इंडिया थ्रू ग्रीन चैनल हिंदुस्तान यूनिवर महिंद्रा महिंद्र मारुति सुजू की इसका आंसर क्या है लेंस कार्ड ठीक है तो जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव किया है माइनोरिटी स्टेक एक्विजिशन लेंस कार्ड सोल्यूशन में डव इन्वेस्टमेंट के द्वारा फॉर एडवांसमेंट ऑफ पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट टॉर रिलायंस जेएसडब्ल्यू टाटा पॉरिया अदानी क्या पूछा है कौन सी कंपनी ने एनएचपीसी के साथ में मिलकर के एक एमओयू की साइनिंग करी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ ताकि एडवांसमेंट किया जा सके पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट की ये किया गया है टॉरेंट पावर लिमिटेड के द्वारा ओके okay? नेक्स्ट कौन सी कंपनी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया सिक्स इंडियन बैंक के साथ ताकि वो इनिशिएट कर सके एक ट्रायल प्रोग्राम जिसका मकसद होगा कि इवैल्यूएट करे ब्लॉकचेन पावर्ड प्लेटफॉर्म फॉर इंटरबैंक यूएस डॉलर ट्रांजैक्शन मॉर्गन स्टेनली गोल्डमैन सैशवेल्स फॉरगो जेपी मॉर्गन चार्ल्स एंड वी हैव डन दिस सेवरल टाइम्स पीडीएफ कहां मिलेगी सेशन के एंड में बताऊंगी पीडीएफ कहा मिलेगी अभी नहीं बताऊंगी जब सेशन खत्म होगा तभी बताऊंगी <laughs> इसका आंसर क्या है जेपी मॉर्गन चीज एंड कंपनी ओके नेक्स्ट कौन सी कंपनी ने रिसेंटली रिवील किया था अपना इंटेंशन कि वो लॉन्च करेगा दृष्टि विश्व का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अग्निकूल न्यू स्पेस वन वेब बेलाट्रिक्स या गैलेक्स आई

ये आर्बिट्राज कर रहा है चलो क्या पूछा हुआ है कौन सी राज्य सरकार ने रिसेंटली ग्रांट किया था सैंक्शन बारह 12,911 करोड़ का यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इनको दिया गया फॉर इनिशियल फेज ऑफ पोलावरम प्रोजेक्ट ठीक है तो ये किसको दिया गया है आंध्र प्रदेश को नेक्स्ट कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली एंटर है एमओयू विद सिडबी टू ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर विद इन एमएसएमई बताइएगा इंडस एंड एच डी एफ सी एक्सिस आईडीएफ सी फर्स्ट या आईसीआईसीआई इसका आंसर क्या है एचडीएफसी बैंक ठीक है तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी और एच डी एफ सी ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है इसके तहत दोनों ही करके, को करके कॉम्प्रीहेंसिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज देंगे कस्टमर्स को एमएसएमई के तहत ठीक है कौन सी कंट्री ने रिसेंटली कंडक्ट किया था अपना फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट जून 2023 में ऑफ एन ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स एंड हैवी कार्गो सर्विंग एज एन एयर टैक्सी टू एलिविएट ट्रैफिक कंजेशन ऑन रूट ऑप्शन इजरायल नॉर्थ कोरिया यूएसए सिंगापुर या फिर खतर क्या है इसराइल ठीक है इसराइल ने कंडक्ट किया अपना इनिशियल टेस्ट फ्लाइट एंडो डोमिस एयरक्राफ्ट डिजाइन किया गया है ताकि पैसेंजर्स को कैरी कर सके और हेवी कार्गो को जब भी बहुत ज्यादा भीड़ होगा तो उस बीच में इन्होंने कहा है कि ये लोग ड्रोन के जरिए यहाँ से वहां तक चीजों को टू एंड फ्रो करा सकेंगे ठीक है पहला ऐसा देश है जिसने ऐसा किया अभी तक किसी ने भी ये नहीं किया था नेक्स्ट ग्लोबल ऑब्जर्वेंस ऑफ फिफ्थ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ट जून सेवन अंडर द थीम ठीक है तो जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था इस बार का इसका थीम क्या था ऑप्शंस देखो फूड सेफ्टी इज एवरी बिजनेस नो कॉम्प्रोमाइज इन फूड सेफ्टी

नहीं हंड्रेड तक करा के मैं नहीं छोड़ सकती हूँ कम से कम यार अभी मैं इसको आधे घंटे तो और करूंगी ही करूंगी इसका आंसर क्या है जगदीश सुधाकर मकन ओके okay? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ओशन डे 2023 को ऑब्जर्व किया गया है पूरे देशभर में 8 जून को जिसका क्या थीम थार इम्पोर्टेंट क्लाइमेट चेंजेक्टिंग ओशन इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा प्लान ओशन टाइट्स आर चेंजिंग ठीक है ये इसका क्या है आंसर है चलो सौ हो गए अब सो हो गया इसी बात पे सभी लोग जरा तालियां भेजो कमेंट सेक्शन में दे दनादन ठीक है सो की खुशी में सभी लोग जरा तालियां भेजना कमेंट सेक्शन में और एक कप कॉफी भी और दिल भी जल्दी जल्दी भेजो देखो हाँ। शुक्रिया शुक्रिया चलो और मैं इतने में अपना चाय भी लेते आई चाय भी पी लूं पता चला गला बैठ गया अगले चार महीने में मैं इतनी तैयारी कर रही हूं मैं पढ़ाई नहीं पा रही हूं कॉफी चाय बिस्किट सब आ रहा है लेकिन पता है तुम लोगों को अगर तुम्हें दिखता है कि धीरे-धीरे जा रहा है, तो तुम अपनी मैसेज को चार बार भेज दिया करो ऑफिस से आती है ऑफिस को ऐसा वैसा समझे अलग पंडित सर ने बहुत बड़ी ऑफिस बनवाई है ऐसा वैसा, वैसा मन समझना सारी सुविधाएं है खाने को मिलता है पीने को है, 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 तो मिलता है चाय मिलती है सब मिलता है हमें दो दो मशीनें होती हैं चाय कॉफी की सोच नहीं सकते हो अलग सर इज ग्रेट चलो हाँ भाई तो अगला देखते हैं ओके okay? अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है इंद्रानी भट्टाचार्य गीताचार्य अनुस अबरवाल नन ऑफ दी अब इसका क्या है ज्वाइता गुप्ता ठीक है डच रिसर्च काउंसिल Uh, ने अनाउंस किया है जोईता गुप्ता इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट और प्राइज नेक्स्टेंट विनर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्रिस्टोफो ब्लैंड प्राइज अवॉर्डेड बाई रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर मीना का

1.54 लाख करोड़, 1.74, 1.34, 1.64 लाख करोड़ या 1.84 लाख करोड़ बताइएगा फटाफट बताते चलो। हाँ भाई इसका आंसर क्या था 1.34 लाख करोड़ नेक्स्ट जो फर्स्ट एडिशन हुआ है इंडिया फ्रांस और यूई मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कमेंस किया गया था 7 जून 2023 को कहां पर साउथ चाइना से इंडियन ओशन गल्फ ऑफ ओमान अरेबियन सी नन ऑफ दी अब गल्फ ऑफ ओमान ठीक है सात जून 2023 को तेईस इंडिया फ्रांस यूएई का मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज शुरू हुआ है गल्फ ऑफ ओमान कौन कौन सी तीन कंट्रीज थी जो ये इनगरल है पहली बार हो रहा है इसलिए है इंडिया फ्रांस और ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहां से अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो ये इनका एक्सरसाइज हुआ और ये पहली बार अभी हुआ है ठीक है पार्टिसिपेटिंग एयरक्राफ्ट एंड यू नैवी मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ओके नेक्स्ट इन न्यू डेली वर्ड एंड नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड एल एल एम इन इन्सॉल्वेंसी इंड बताइएगा बोलो भाई इसका आंसर क्या है द करेक्ट आंसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ये और नालसार मिल करके लॉन्च किए हैं एल एल एम किस चीज में इंसॉल्वेंसी बैंक लॉस के ऊपर नेक्स्ट है पियूष गोयल यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कॉमर्स कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल ने एड्रेस किया है डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ ट्रिपल एफ ट्रिपल एफ में थर्ड एफ से क्या है फेडरेशन फ्रेड फॉरवर्डर्स फ्यूचर या फाइनेंस

चलो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स थर्ड ऑन फोर ओशन इनोवेटर्स यूएन ईपी यूएनडीपी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इंटरगनमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर क्या आंसर है बताइएगा आंसर इज वॉट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ओके नेक्स्ट देखो विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इंट्रोड्यूसड इंडिया मोमेंटम फंड एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल एस बी आई फंडको या रिलायंस निपोन इसका आंसर क्या है दोस्तों इसका आंसर है सैमको एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड

इसका है इंडिया इंडिया अभी इक्कीस और बाइस वाले टर्म में ऑलरेडी नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका था फिर से इंडिया नहीं बनेगा ना तो अभी फिलहाल में इंडिया नहीं है ओके अभी फिलहाल में बाकी कंट्रीज है उनके नाम आपके सामने इधर है लिखा देख लेना यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज एजेंसी पंद्रह सदस्य होते हैं 10 दस टेम्प्रोरी पांच परमानेंट ये टेम्प्रोरी हर दो साल के लिए इलेक्ट होते हैं ठीक है वेयर वॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ जे एफ ट्वेंटी टू द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट विन टनल कंप्लीटेड इन जून ट्वेंटी थ्री बीजिंग न्यूयॉर्क सिंगापुर वियएना या अबूधाबी इसका क्या आंसर है बीजिंग ठीक है तो जो चाइना इन्होंने कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन जी एफ ट्वेंटी टू विश्व का सबसे पावरफुल सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन है ये माउंटेनियस नॉर्दर्न बीजिंग में बनाया जा रहा है न्यू एंड अपडेटेड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन जून ट्वेंटी थ्री एमिंग टू स्ट्रेड इन सिस्टम यूनिसेफ केयर इंटरनेशनल ग्लोबल फंड पार्टनर्स इन बिल इंड मेलिंडा ये सब चाइना ही करेगा ये बात तो सही कह रहा हूं आंसर करो भाई इसका आंसर क्या था द ग्लोबल फंड ठीक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल फंड मिल करके ग्लोबल फंड टू फाइट अक्वाड इम्यून डिफिशियंट्रोम सिंड्रोम ट्यूबरकुलोसिस मलेरिया ने रिसेंटली साइन किया एक नया और रिवाइज फ्रेमवर्क फॉर कोलेबोरेशन ओके नेक्स्ट इज व्हाट कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एंटर किया है अटलांटिक डिक्लेरेशन यूएसए के साथ में ताकि वो फॉस्टर कर सके फ्यूचर कोलैबोरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूके इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस इसका आंसर क्या है दोस्तों इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम ओके नेक्स्ट देखो व्हिच इंस्टीट्यूशन और ऑटोनॉमस बॉडीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर

एक सौ चौदह हुए कम से कम डेढ़ सौ तो इसे हम लोग कर ले ओके इसका आंसर क्या था दोस्तों इसका आंसर था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ओके नेक्स्ट देखो वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे को सेलिब्रेट किया गया है नौ जून को ठीक है किस थीम पर वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे किस थीम पर सेलिब्रेट किया गया था नौ जून को आंसर करो

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु आई टी डेली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी रक्षा यूनिवर्सिटी रिसेंटली कौन सी मीटिंग हुई है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की फॉर पी एम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान हेज पुट फोर द प्रपोजल फॉर अ रोडवेज प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा

रोडवेज प्रोजेक्ट बनाएंगे त्रिपुरा में तो जब भी आप लोग ये पढ़ोगे नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की कोई मीटिंग हो रही है उसके साथ में ये जरूर पढ़िएगा कि ये जो मीटिंग हो रही है इसमें क्या इंपॉर्टेंट किया गया है कौन सा एडिशन है जैसे अभी भी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ठीक है अगला देखो रिसेंटली सेमिनार हुआ ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी और हाइड्रोजन इकोनॉमी पे वॉज हेल्ड ऑन नाइन जून ट्वेंटी कौन सी मंत्रालय इसको ऑर्गेनाइज करा रही थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यूरोनेबल एनर्जी कोल अर्थ साइंस एनवायरमेंट एंड ऑफ एनवाइट

Following the extensive deliberations between Amit Shah, Nirmala Sitharaman and Governor of RBI, has officially announced four significant measures aimed at enhancing strength and stability of 1514 UCBs across the country. What is the vision behind initiative to strengthen UCBs? Sehkar-Sisamridhi, Financial Inclusion for All, Digital Banking Transformation, Rural Banking Development and of the above. क्या था दोस्तों सहकार से समृद्धि ओके नेक्स्ट देखो विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश रिपोर्ट डिटॉक्स डेवलपमेंट रिपर्पजिंग एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज इन जून ट्वेंटी थ्री एड्रेसिंग सब्सिडीज रिलेटेड टू फॉसिल फ्यूल एग्रीकल्चरल एंड फिशरीज यूएनडीपी यूएनईपी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक एंड एन ऑफ दी इसका इसका आंसर क्या होगा वर्ल्ड बैंक ठीक है वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया डेवलपमेंट रीपरपोजिंग एनवायरमेंटली हाईलाइट करेगा कंपनी है ताकि ऑनलाइन इनवर्ड रेमिटेंस की सुविधा दी जा सके उन सभी एनआरआईस को जो कि रह रहे हैं यूएसए और सिंगापुर में इंडस एंड बैंक ऑफ बरोडा यूको आईडीएफसी एचडीएफसी ये सब आसान से है जो आप लोग कर सकते हो का आंसर क्या था इंडसइंड बैंक ठीक है नेक्स्ट देखो कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था इंडिया का इनॉग्रल पैसिवली मैनेज्ड माइक्रो कैप फंड जिसको डिजाइन किया गया कि रेप्लिकेट करेगा ट्रैक करेगा परफॉर्मेंस निफ्टी माइक्रो कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स एज ऑफ जून 23 मोदीलाल ओसवाल एचडीएफसी यूटीआई निप्पोनिया आदित्य बिरला आज का करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं है, आज आज कि है।, है? है, है, है? है इंट्रोड्यूस किया है ओपन एंडेड मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रोकैप टू फिफ्टी इंडेक्स फंड इसको याद रखे रहना यहाँ से सवाल बनने के अच्छे चांसेस है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सी कंपनी को रिसेंटली रैंक किया गया था टॉप कंपनी एशिया में और प्लेस किया गया था टॉप टेन ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बाय इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सर्विस जिनको सोलर एसी एनर्जी अडानी ग्रीन एनर्जी ग्रीन को या कोरिया इलेक्ट्रिक इसका आंसर क्या है अडानी ग्रीन एनर्जी ओके नेक्स्ट देखो कौन सी इंडियन कंपनी ने किया है वर्जन मेटा भारत meta. ये हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है इसको सही बताना ठीक है? भारत मेटा लॉन्च करने वाली कौन सी अब ओके okay. इसका आंसर क्या था दोस्तों आई ओके वॉज द थीम ऑफ ग्लोबल ऑब्जर्वेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड रॉट ट्वेंटी थ्री

चाइना, ठीक है आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है बताइएगा। लीड में आपका सेकेंड ई से क्या होता है ठीक है लीड में आपका सेकेंड ई से क्या होता है एनर्जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक्सीलेंस या एम्पावरिंग कुछ लोग चुपचाप सेंटर से हुए क्लास में <laughs> एनिमल हस्बेंड्री और वेटररी डिपार्टमेंट ऑफ वॉट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ वेब पोर्टल डेडिकेटेड टू कैटल ट्रांसपोर्टेशन टू कब अनलॉफुल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश असम अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा नेक्स्ट कहां से क्या है दोस्तों असम ठीक है कौन सी कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया था यूपीआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट फॉर इट्स मर्चेंट्स मोबिक विद कैश फ्री रेजर पे पे यू पेटीएम कहां से क्या है दोस्तों पेटीएम ठीक है चलो फटाफट आंसर्स करते चलो बाकी बातें बाद में करना तुम लोग ज्यादा मजे कर लेते हो आंसर्स कम करते हो अगला देखो

से क्या होगा केरल एंड रल नेक्स्ट देखो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली गिवन इट्स अप्रूवल टू द कोऑपरेटिव पॉलिसी राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश इसका आंसर क्या है दोस्तों मध्य प्रदेश ठीक है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने चेयर किया है एक कैबिनेट मीटिंग और अप्रूवल दिया है को व्हाट पॉलिसी को सॉरी रिसेंटली बीन ऑनर्ड विच यूरोपियन एस्टरप्राइज अरुंधति रॉय फोर्टी फिफ्थ जुम्पा लहरी फोर्टी थर्ड अमिताभ घोष फोर्टी फिफ्थ अरविंद अडिग फोर्टी सलमान रजदी फोर्टी थर्ड बताइएगा कौन आंसर क्या है दोस्तों अरुंधति रॉय एंड फोर्टी फिफ्थ ठीक है Who has been re-elected as Prime Minister of Kuwait as announced recently? अब इन सब के नाम एकदम सेम है बहुत छोटा सा डिफरेंस है शेख मोहम्मद अल खलीद अल हमद अल सबा शेख अहमद नवाफ अल, अह, अल अहमद अल सबा शेख जबर अल मुबारक अल हमद अल सबा शेख नसीर मोहम्मद अल अहमद अल सबा शेख सबा अल खलीद अल सबा मैंने जब तुम लोगों को एक बार ये पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि दो चार शब्द याद रख के जैसे कि नवाफ अहमद सबा इससे आप लोग आंसर्स कर लोगे ठीक है अगला हु हैज रिसेंटली अज्यूम द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप गोपीचंद हिंदुजा प्रकाश हिंदुजा अशोक हिंदुजा श्रीचंद हिंदुजा या नन ऑफ द अबव किसने अभी-अभी चेयरमैनशिप ली है हिंदुजा ग्रुप की तो अगर एक जैसे ऑप्शन ले आएंगे तब तो, तो सब कर लेंगे तो कोई मतलब भी नहीं है पढ़ाने का वक्त जबरदस्ती इसका आंसर क्या है दोस्तों गोपी बैंक ने रिसेंटली नेम किया है कौन से फॉर्मर गवर्नर को अपना पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया इन्होंने ये इन्होंने अपॉइंट किया था एन एस विश्वनाथन जी को ठीक है एक्सिस बैंक ने एन एस विश्वनाथन को अपने वहां पर पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अपॉइंट किया था कौन सा बैंक है भारत का जिसने अचीव किया है मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रिलियन और ऐसा ये दूसरा पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया है है जिसने ये अचीव किया बैंक ऑफ बरोडा कनारा बैंक पंजाब नेशनल बैंक ऑफ महाराष्ट्र या यूनियन बैंक तो ये कौन सा बैंक बन गया है ये बन गया है बैंक ऑफ बरोडा बैंक ऑफ बरोडा दूसरा ऐसा बैंक है जिसने इसको अचीव किया है किसके बाद एस के बाद इसके अलावा अभी तक और किसी ने अचीव नहीं किया था

कितने का रूफटॉप सोल वो, फोटो वोल्टेक प्रोजेक्ट कहां पर बी यानी कि देखो इसका आंसर होगा वन मेगावॉर्ट आईटी जोधपुर ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स विच टीम अचीव सक्सेस इन रिसेंटली कंक्लूडेड थर्टींथ हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप देश हॉकी टीम इन फाइनल मैच ओडिशा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश चंडीगढ़ ओडिशा नन ऑफ दी अबव

ठीक है ताकि ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कहां पर अच्छी की जा सके झारखंड बिहार उड़ीसा वेस्ट बंगाल हिमाचल प्रदेश तो ये कहां पर किया जा सके बिहार के अंदर ओके नेक्स्ट कौन और कौन इंक्लूड किए गए हैं टाइम मैगजीन टाइम हंड्रेड मोस्ट इन्फ्लुशन कंपनीज में मीशो इंडियन ऑयल टीसीएस मिंत्रा मीशो एनपीसीआई मिंत्रा एनपीसीआई इंडियन ऑयल टीसीएस इसका आंसर क्या है मीशो एनपीसीआई किसको रिसेंटली अवार्ड किया गया था ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जोईवियला क्रिस्टोलि जॉर्जियवा टेड्रोस डेविड मालपासन इसका आंसर क्या था यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे इंक्लूडिंग ए स्पेशल इवेंट एट यू हेड ऑफिस इन न्यूयॉर्क द थीम फॉर दिस यू एन पब्लिक सर्विस डे यू एन पब्लिक सर्विस डे का थीम क्या था Building sustainable communities, a focus on public service, empowering people through public service, promoting equality and justice, innovative public service delivery, ensuring inclusion for all, transforming public service, public service for future. Iska answer is answer hai. innovative public service delivery, ensuring inclusion for all. Which city recently set a new Guinness World Record for largest gathering of individuals participating in a yoga session at a single location on International Yoga Day?

तो ये किसने अनवील किया था इसको अनवील किया गया था नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा ठीक है मैं क्यों जल्दी कर रही हूं ताकि कम से कम हम लोग डेढ़ सौ क्वेश्चन आज कर सके तो चार पांच क्वेश्चन है बस वो और कर लें व्हाट इज द नेम ऑफ विजन फ्रेमवर्क फॉर भारत सिक्स जनरेशन दैट वाज रिसेंटली इंडोस्ड बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईमी ट्वेंटी सिक्स एम टी ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन एम टी ट्वेंटी ट्वेंटी एट आई एम टी ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन एम टी ट्वेंटी थर्टी रो मत, रो मत, अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे इसका आंसर क्या था आई एम टी ट्वेंटी थर्टी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एजेंसी फॉर टेलीकॉम ने रिसेंटली वेलफेयर ऑफ विच स्टेट है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम ऐप महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश कौन रो रहा ऊपर एक बच्चा रो रहा था शायद सुमित रो रहा था पढ़ाको बच्चा सुमित ज्यादा पढ़ रहा है देखो अभी भी रो रहा है <laughs> इसका इसका आंसर आंसर क्या है Medical, Welfare, है राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ और फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इंट्रोड्यूस किया है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग और हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम ऐप को अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा ऑन सेक्टोरियल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट मार्च ट्वेंटी

ये कितना मार्क क्रॉस कर चुका है इकतीस मार्च तक तीन करोड़ दस लाख पांच करोड़ बीस लाख पांच करोड़ दस लाख तीन करोड़ बीस लाख या कुछ भी नहीं इसका आंसर क्या था पांच करोड़ बीस लाख लास्ट क्वेश्चन बहुत सारी डिटेल्स है उसको देखना होगा आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन है एमएसएमई मिनिस्टर नारायण रणे ने लॉन्च किया था रिवैम्ड क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एमएसएमई किस साल में इसको लॉन्च किया गया था सीजीटी एमएससीबी 1998 1999 2000 2000 ये 2005 ये लास्ट सवाल है इसके बाद आप लोग मौज काटना इसका आंसर क्या था दोस्तों इन द ईयर 2000 ठीक है अच्छा अब जरा सुनो सभी लोग एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सभी के लिए ओके okay. अनाउंसमेंट क्या है बताती हूं ये आ गया हमारा चैनल देखो आज शाम में ये इवेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले आप लोग जान रहे हो यहाँ पे क्या करना है अंगूठे लगा लेना ओके ये आज शाम में होने वाला है तो सभी लोग इसमें क्या करोगे जरूर से आओगे पार्टिसिपेट करोगे कहीं कोई रह ना जाए ओके आठ बजे से है शेड्यूल्ड बहुत कुछ प्लान्ड है आप सभी के लिए तो उस सेशन में क्या क्या प्लानिंग है वो सेशन में आके ही पता चलेगा आज रात के आठ बजे हम लोगों ने प्लान किया है जरूर आइएगा इसके अलावा एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या इंपॉर्टेंट बात है कहा गए देखो भाई आप लोगों के लिए एक बैंकिंग महारथी आने वाले हैं ठीक है तो ये बैंकिंग महारथी जो आप लोगों के लिए आने वाले हैं और कौन है ये ये आपको पांच सितंबर को पता चलेगा शाम सात बजे तो इसमें भी आप सभी का आना मैंडेटरी है ओके okay? और इसके अलावा जाते जाते सेशन में एक सवाल मैं आप सभी को देखे जाना चाहती हूँ कल के सेशन का जो आंसर का रिस्पॉन्स था बहुत ही ओवरवेलमिंग था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल के सेशन में रिस्पॉन्स दिया है तो आप लोग कमेंट अगर देखो इस 136 इस 136 में से आधे मेरे थे उसके मुताबिक भी 68 स्टूडेंट्स ने लगभग लगभग आंसर्स किए थे ग्रेट बहुत अच्छी बात है ओके okay? तो ये चीज जरा आप लोग ध्यान रखिएगा वन मोर थिंग आज के सेशन में जाते जाते आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग करोगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लोन दिया गया था सबसे बड़ा रेसिपेंट बन गया एडीबी फंडेड प्रोग्राम का आपसे पूछा जा रहा है कितना दिया गया है पाकिस्तान को 3.26 बिलियन डॉलर 3.85 4.27 एट या yeah, 6.84 इसका सभी लोग आंसर करोगे अब हम लोग कल मिलेंगे अपनी क्लास में सुबह साढ़े छह डेली रूटीन की टाइम पर तब तक के लिए घर पे रोज स्वस्थ रहो मस्त्रो अंगूठे लगा देना जाते जाते सेशन अच्छा लगा हो तो ना लगा हो कोई कमी हो तो वो भी बता सकते हो ठीक है बाकी हैव अ ग्रेट डे संडे आपका अच्छा हो आपके घर में सब अच्छा हो सब लोग कुशल मंगल हो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जय हिंद जय भारत गॉड ब्लेस यू लव यू बाय and take care gardenia bye people